सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक टेंपल जो कि यहाँ से अराउंड 20 to 30 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। तो हमारे साथ जा रहा है विकास और आदित्य और नीतीश है। तो वो लोग आ रहा है तो आता है और चलते हैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5, तो चलो चलते हैं। बीबी वेलकम टू चैट। यहाँ पे फिर से रेलवे क्रॉसिंग, यहाँ पे देखो मुझे कुछ मिला है। देखो अरे महादेव मस्त है, इतना बड़ा देखो भोला बाबा का पत्थर का। तो भाई अभी हम लोग आए गोपालपुर में, तो यहाँ से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर है, तो चलो चलते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, अंदर में एंट्री ले रहे हैं। ये देखो कुछ इस टाइप से। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग आए हैं उच्चैठ भगवती की दुकान, जो कि हमारे दरभंगा से 50 किलोमीटर अराउंड है। ये हमारा फर्स्ट इतना लंबा राइड था। चलो अंदर चलते हैं। ये देखो सो गाइस अभी हम लोग जल लेने के लिए जा रहे हैं, पैर वर्ड धोते हैं और चलते हैं। इसके बारे में बहुत सारे स्टोरी भी है जो कि मैं कुछ देर में बताऊंगा आप लोगों को, तो चलो। और गाइस यहाँ पे बोटिंग भी होता है। तो गाइस आज हम बोटिंग पे जाने वाले हैं। तू हमर नहीं लिलका मैं इसी बोली तरह कभी तू जा लूँ सो गाइस जल लेते हैं और चलते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। वो देखो बोर्ड पे जा रहा है, बोर्ड पे जा। अभी भी कोने पर डिंग 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 चल रहा है। नहीं जा रहा रे। चलो चलते हैं मंदिर में। ये मैन मंदिर यहाँ का। सो गाइस फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर पूजा वूजा कर लिए हैं, और अभी बाकी सारे मंदिर में
पूजा करते हैं। यहाँ का जो कुछ स्टोरी है वो मैं आप लोगों को बताऊँ। यहाँ देखो हनुमान जी का है, हनुमान जी का ये मंदिर। सूरज ये देखो यहाँ पे सारे भगवान जी का फोटो बना हुआ है, वो भी कंक्रीट से। सो हमारा पूजा हो चुका है तो चलो चलते हैं, देखते हैं और क्या है। सूरज यहाँ का एक स्टोरी, मतलब कालीदास जो थे यहीं मतलब आकर विद्वान बने थे। इस मंदिर के पूर्व दिशा में एक कॉलेज था और दोनों के बीच में एक नदी था। तो एक बार बहुत भयानक ना बाढ़ आया था। बाढ़ आने की वजह से ना मतलब कॉलेज के जो स्टूडेंट थे यहाँ पे आकर दीप जलाते थे। बाढ़ के कारण वो लोग आ नहीं पाए थे। तो कालीदास से मूर्ख ने वो स्टूडेंट लोग मतलब बोले जाकर तुम दीप जला करो। वो तो कुछ सोचे समझे नहीं और नदी में कूद गए और कूद कर आए और दीप जला दिए। और उन्हें बोला गया था कुछ मतलब ऐसा निशान लगाना है जिससे कि मैं बाद में जाकर चेक करूं तो मैं पता चले कि हाँ तुमने दीप जलाया या नहीं। निशान के तौर पे उसने माता के मुंह पे काली पोत दी, तब उसी रात उनके सपने में माता आई और उन्हें विद्या दी। सूरज फाइनली हम लोग मंदिर से बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे बैठ कर क्या करें, जा खा रहे। मंदिर ही तो एक ऐसा जगह है जहाँ पे दिन दिमाग सब चीज शांति रहते है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतरे